प्रयागराज की धरती के जनप्रिय नेता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरी सहयोगी साध्वी निरंजना ज्योति जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, संसद में मेरी सहयोगी बहन रीता बहुगुणा जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, श्रीमती कांता कर्णदब जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमेश चंद बिंद जी, प्रयागराज की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित यूपी के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले, यहां के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत है। तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ मां इस पवित्र धरती पर आवा रहे हैं, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं।